मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। सो लेक्चर नंबर स्टूडेंट्स आज करेंगे 12, और 12 में देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स आज करेंगे 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2, ये मल्टीप्लाई द राइट आंसर्स एंड लोवेस्ट फॉर्म। आज लोवेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन भी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1.5 × 14। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 1.5 लिखा है इनटू 14 लिखा है। तो सबसे पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए 5 × 5 + 1 = 6, तो 6/5 × 14 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 × 14/5 लिख लेंगे, ओके। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब 6 × 14 लिखा है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले कि ये इसमें से कोई भी चीज़ कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे 5 के टेबल में 6 भी नहीं आता, 5 के टेबल में 14 भी नहीं आता, दैट मीन्स इसमें से कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो 6 × 14 क्या हो जाएगा, 14 × 6 का कितना हो जाएगा, 84/5 हो जाएगा। अब 84/5 जो दिया गया है इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बहुत बार बताया आपको कि 84 जो हमारा लिखा है इसको अगर 5 से डिवाइड कर देंगे, अगर करते हैं यहाँ पे देखिए 5 × 5, ठीक है, 8 में से 5 क्या 3 और 4, 5 × 6 = 30, कितना हो जाएगा 4 हुआ। अब देखिए ये हमारा जो 4 है रिमाइंडर वाला वो आपका न्यूमरेटर में आएगा, 5 जो हमारा लिखा है क्वेश्चन तो हमारा किस में मिल जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, और 16 जो हमारा आ रहा है वो आ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेंड हमारा 5 ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो आ रहेगा 16 यहाँ पर, 16 × 4/5 हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया गया सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि सबसे पहले इस जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है इसको हम चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे। कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 + 1 = 6, तो 6/5 लिख सकते हैं, इंटू 14 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 6/5 लिखा है, इंटू 14 लिखा हुआ है, तो 6 × 14 कितना हो जाएगा, 6 × 14/5 लिख लेंगे। 5 देखेंगे कि हमारा किससे जा ही नहीं रहा है, आपको देख रहा है कि ये 5 क्या है, ना ही कैंसिल हो रहा है 6 से ना 14 से, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई ले लेंगे, 6 × 14 = 84/5, तो उसका मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें ये 16/4/5 भी मिल जाएगा। तो हम इस बॉक्स में क्या भर सकते हैं, 84/5, ठीक है, बॉक्स में भर लेंगे 84/5 या 16/4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बी वाला पार्ट देखिए, 2 × 3/7 × 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 × 3/7 में हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, कैसे, 7 × 2 = 14, 14 + 3 = 17, 17/7 × 21। अब ध्यान दीजिएगा 17 × 21 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि 7 जो हमारा लिखा है ये 17 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 21 से चला जाएगा, 7 के टेबल में 21 आता है, 7 × 7 = 21, तो क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 = 17, 3 = 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। 7 × 7 = 21, 17 × 3 = कितना हो गया, 51, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे इसी का सी पार्ट पे, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस बॉक्स में भी फिल कर लेंगे 51, बुक में भी बॉक्स जो दिया गया उसमें भी 51 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे सी पार्ट पे, ध्यान दीजिएगा इसी का सी पार्ट देखिए, नोट डाउन करते चलेंगे आप। 4 × 11/12 दिया हुआ है, तो 4 × 11/12 × 25 दिया हुआ है, 12 × 4 = 48, 48 + 1 = 59, 12 × 4 = 48, 48 + 11 = 59, 59/12 लिख लेंगे, इंटू 25 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 59 से और 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1475, और 1475/12, क्योंकि 12 से ना 59 जाएगा ना 25 जाएगा, तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 59 × 25 = 1475, यानी 1475/12। अब 1475 जो हमारा दिया गया है, 1475, उसका 12 से अगर हम डिवाइड लेंगे तो देखना आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ पर डिवाइड लेके देख लीजिए 1475 को, तो 12 × 12, ठीक है, 4 × 2 = 2, 7, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 12 = 24, 24, 7 × 4 = 3, 5। अब देखेंगे ध्यान से, 12 × 12 = 24, 12 × 3 = 36, तो 12 × 2 = 24 फिर से, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया
थ्री में से टू गया वन, तो आपको क्या मिल रहा है, इलेवन। देखिए ये मिल गया आपको, ट्वेल्व आपको देखो ये मिल गया, 122 आपको ये मिल गया। तो आपको पता चल गया मिक्स फ्रैक्शन कैसे आया, इसको भी डिवाइड करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 122 11 अपॉन 22 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा 122 इस बॉक्स में 11 अपॉन 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का डी पार्ट में जाएंगे तो क्या लिखा, 10 1 अपॉन 10 इंटू 18 लिखा हुआ है। तो 10 10 जा 100, 100 प्लस 1 101, तो हम लिख सकते हैं 101 अपॉन 10। तो लिख लिया 101 अपॉन 10 इंटू 18 लिख लिया। अब 101 इंटू 18 अपॉन 10 लिखा, 10 से ये चला जाएगा, कितनी टाइम्स आएगा ध्यान से देखिएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो 101 इंटू 9 अपॉन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 101 9 जा कितना हो जाएगा, 909 अपॉन 5, जिसको हम लिख सकते हैं 181 अपॉन 4 अपॉन 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट का। इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 181 अपॉन 4 अपॉन 5। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप ये भी लिख देंगे, ये भी आंसर सही है आपका। ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आया, डिवाइड करके आया। इसका भी अगर आप डिवाइड लेंगे 5 को 909 से तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे इसी का ई पार्ट पे, जो कि आपका किस में, होमवर्क में, और एफ पार्ट भी आपका होमवर्क में। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में देखेंगे 64 प्लस 1 65 अपॉन 8। ठीक है, 8 के टेबल में 32 आता है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 65 इंटू 4 जो भी होगा वो आंसर आप लिख देंगे यहाँ पे। 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17 अपॉन 5 इंटू 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 75 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 75 2 जा कितना होता है, 5 3 जा 15 प्लस 17 इंटू 17 2 कितना होता है, 34, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ई और एफ पार्ट आपका होमवर्क में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और डी पार्ट तक आप क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे थर्ड का, जो फाइंड द वैल्यूज निकालने, इसके दो क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 16 और 1/4 ऑफ 20, येलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 1/2 ऑफ दिया है, तो ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, 16 लिखा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये 2 से 16 चला जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, 2 1 2 8 16, और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/2 दिया था, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 16 लिख लिया, 2 1 2 2 8 16, 2 से 8 16 चला गया 8 टाइम्स, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ हम 8 फिल कर सकते हैं। 1/4 ऑफ 20 लिखा है, तो 4 1 4 4 5 20, तो 4 1 4 और 4 5 20, तो क्या लिख सकते हैं, 5, तो 5 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 5 फिल कर लीजिएगा। सी में लिखा है 10 और 100, 10 के 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है, तो 10 10 जा 100 क्या लिख सकते हैं, 10 10 1 जा 10, तो 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8 आंसर आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट तक। ओके स्टूडेंट्स, यही आज आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।